बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज ईमान में रखे और आपके साथ के अल्लाह ताला हमें भी अपने हिफ्ज ईमान में रखे। तो गाइस, आपको 19 रमज़ान अल मुबारक हो। आज 19वां रोज़ है। माशाल्लाह से मैंने इफ्तार रेडी की है, तो मैंने कहा क्यों ना अपना व्लॉग स्टार्ट किया जाए। दरअसल मुझे ना तबीयत कुछ मेरी सेट नहीं थी, इस वजह से मैं व्लॉग रेगुलर नहीं बना पा रही। तो आप लोगों की दुआ हो तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे बेहतर करेंगे, अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दें। रोज़ा रखने के बाद आपको पता है, जब रोज़ा खोले तो जिस्म में बिल्कुल वीकनेस सी हो जाती है। तो कुछ वो और कुछ रोज़े के साथ साथ मेरे से व्लॉग नहीं बनाने हो रहा। तो आज मैंने कहा जी क्यों ना अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए। तो ये देखें जी, ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो मैंने कहा अपनी इफ्तार की रूटीन शेयर करती हूँ। रूटीन तो खैर ए टू जेड सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, तो फिर मेरे माइंड में आया कि मुझे व्लॉग बनाना चाहिए था। लेकिन खैर, हम आपसे वो चीज़ें शेयर कर लेते हैं जो इफ्तार के लिए हमने तैयार की हैं। ठीक है, चलें बिस्मिल्लाह करके मैं आपको दिखाती हूँ कि इफ्तार में क्या क्या मैंने बनाया है। तो गाइस, ये देखें मेरी सारी चीज़ें, इफ्तार हो गया रोज़ा और मैं जल्दी से व्लॉग बना रही हूँ। ये देखें जी, ये मैंने क्या इसको कहते हैं, गर्मा एप्पल और साथ में खजूर है। ये साथ में फालसे का और स्ट्रॉबेरी का जूस, उसके साथ दूध सोडा, उसके साथ है ये जामी शीरी, साथ में तरबूज और साथ में ये दही बल्ले, उसके साथ चना पुलाव। और ये थी मेरी इफ्तार की रूटीन। रोज़ा इफ्तार हो गया, तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद फिर आपसे मिलती हैं। ठीक है, सुमन हूँ।